वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्लास 10 मैथमेटिक्स का। एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन बोला गया है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। देखो इसमें बोला गया है एक 20 मीटर एक बिल्डिंग है, 20 मीटर एक हाई बिल्डिंग है, ठीक है, एक 20 मीटर बिल्डिंग है हाई बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है, इस बिल्डिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, टावर लगा हुआ है, ठीक है। और जो एंगल बन रहे हैं, ठीक है, जो एंगल बन रहे हैं आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। देखो जो ग्राउंड से इसके बॉटम के साथ जो एंगल बन रहा है, टावर के बॉटम के साथ वो बन रहा है 45 डिग्री और टावर के टॉप के साथ बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। एक चीज एक बार दोबारा पढ़ लो, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, बॉटम के साथ और टॉप के साथ कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का और 60 डिग्री का बन रहा है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ टावर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ टावर मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए बी फाइंड आउट करना है इसके अंदर। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेंगे बी सी डी, बी सी डी ट्रायंगल ले ली, इसकी में क्या क्या बी सी बाई डी सी कर दिया, 20 बाई डी सी इज इक्वल टू 1045 डिग्री, 1045 डिग्री क्या होता है आपका 1 होता है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपका डी सी कितना आ गया, 20 आ गया, डी सी 20 आ गया। इसके बाद हमने ट्रायंगल ली ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी, इसके अंदर हम क्या करेंगे फिर ए सी बाय डी सी, ए सी बाय डी सी क्या होता है आपका 1060 होगा ना, क्योंकि इसके साथ तो 60 डिग्री का बना रहा है, और जो आपका ए सी क्या हो जाएगा, ये एक्स था ये 20 था, तो आपको ये पूरा कितना हो जाएगा, 20 प्लस एक्स हो जाएगा, पूरा होगा आपका 20 प्लस एक्स। तो ए सी की जगह कितना आ गया, 20 प्लस एक्स बाय 20, 1060 की वैल्यू √3 होती है। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो और 20 को इधर शिफ्ट कर दो, 20 कॉमन ले लो √3 - 1, तो ये आगे हमारे ट्रांसमिशन तार की हाइट। बेसिकली इसमें हमें क्वेश्चन समझना जरूरी होता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को 2 बार 3 बार जरूर पढ़ना। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा हुआ है और टावर के बॉटम और टावर के टॉप के साथ एंगल बन रहा है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, और लाइक कर सकते हैं वीडियो को, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।